हेलो नमस्कार जय हिंद कृषि मंडी परिषद विभाग में सचिव पद के लिए बड़ी भर्ती आ चुकी है बड़ी वैकेंसी आ चुकी है इसके संबंध में योग्यता क्या होगी इसके संबंध में सैलरी क्या मिलने वाली पोस्ट कितनी आयु सीमा क्या होगा या इसके संबंध में सिलेबस इसका क्या रहने वाला है इत्यादि के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे तो वीडियो को पूरा देखें वीडियो को लाइक कर दें शेयर भी कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें जिससे इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय से मिल पाए उत्तर प्रदेश अदृष्ट सेवा चयन आयोग लखनऊ विज्ञापन संख्या छः परीक्षा 2024 विज्ञापन संख्या ए, ए, नंबर विज्ञापन संख्या छः दौ परीक्षा दो है विज्ञापन प्रारंभ के प्रकाशन की तिथि सत्ताईस सत्ताईस तारीख को फरवरी को प्रकाशन की गई थी इसका प्रारंभ 24 अप्रैल से होगा 24 अप्रैल से विज्ञापन प्रारंभ होगा 24 अप्रैल से आप फॉर्म आवेदन कर सकते हैं जिसे चौबीस मई दो तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अर्थात लास्ट डेट चौबीस मई दो तक है किसी प्रकार का संशोधन के लिए 31 मई तक आप संशोधन कर सकते हैं अथवा फीस अभी सबमिट नहीं किए होंगे तो शुल्क समायोजन भी 31 मई तक कर पाएंगे एज लिमिट की बात करें तो एक सात दो को आपकी एज काउंट की जाएगी तो एक सात दो को एज काउंट करके इक्कीस से चालीस वर्ष के बीच इक्कीस से चालीस वर्ष आपकी एज मांगी गई है एस सी एस टी ओ के लिए अलग से जो छूट अपर एज में छूट मिलती है वो मिलेगी ये सामान्य एज है बाकी इसमें के लिए मंडी परिषद के लिए मंडी परिषद सचिव के लिए मंडी परिषद में सचिव के लिए एक पोस्ट की वैकेंसी है वन थर्टी फोर पोस्ट एक पोस्ट जो ईपी ट्रिपल पेट दो के स्कोर कार्ड पर आधारित है अगर आप पेट पीटी 2023 में अपेयरिंग हुए होंगे पी एटी दो का एग्जाम दिए होंगे तभी आप इसको आप ऑनलाइन कर पाएंगे नहीं दिए होंगे तो नहीं कर पाएंगे इसके लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होनी चाहिए लेकिन बैचलर डिग्री किस स्ट्रीम में होनी चाहिए स्ट्रीम देख लीजिए या तो एग्रीकल्चर में होनी चाहिए या तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में होना चाहिए या तो साइंस में होनी चाहिए बैचलर डिग्री या तो कॉमर्स में होनी चाहिए या इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए या एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में होना चाहिए तो इन्हीं स्ट्रीम में आपकी बैचलर डिग्री वैलिड होगी बाकी अन्य स्ट्रीम में बैचलर डिग्री आपकी होगी तो उसको माना नहीं जाएगा वो माने नहीं होगी वैलिड नहीं होगी आवेदन शुल्क की बात करें क्योंकि यूपी ट्रिपल पेल्स करा रहा है और यूपीटर पेलस्सी पच्चीस रुपये के ही शुल्क लेगा जब शार्ट लिस्टेड कर लेगा पंद्रह गुना जितने भी जितने भी सीट है उसका पंद्रह गुना शार्ट लिस्ट करेगा वन थर्टी फोर सीट है तो इसका पंद्रह गुना इतने अभ्यर्थियों को शार्ट लिस्ट कर देगा मेंस एग्जाम के लिए और जब मेंस एग्जाम के लिए शार्ट लिस्ट करेगा तो उसके बाद मेंस एग्जाम की जब डेट आएगी तो उस समय अलग से फीस जमा करना होगा राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश सचिव श्रेणी थर्ड ग्रेड दो लेवल सिक्स की वैकेंसी है जो नौ से चौंतीस वेतनमान होगा बयालीस सौ ग्रेड पर, पर लेवल सिक्स की वैकेंसी होगी जिसके लिए अनारक्षित चौवन पोस्ट है अनुसूचित जाति के लिए एस के लिए अट्ठाइस पोस्ट है एस के लिए दो पोस्ट है और ओ के लिए सैंतीस पोस्ट है ई के लिए तेरह पोस्ट है कुल मिलाकर एक पोस्ट है जो अस्थायी प्रकृति हो की होगी और एक सौ चौंतीस पोस्ट अस्थायी यानी कि परमानेंट पोस्ट होगा आरक्षण की बात करें क्षतिज आरक्षण की बात करें तो क्षतिज आरक्षण जो है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए टू दो पोस्टें दिव्यांगजनों के लिए एक एक दो एक एल बी एच एच ओ एल इसके इत्यादि के लिए आप नोटिफिकेशन देख लें तो दिव्यांगजनों के लिए ये पोस्ट है बाकी भूतपुरुष सैनिक के लिए छः रिजर्व कर दी गई है और महिला के लिए छब्बीस रिजर्व कर दी गई है उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए दो सीटें रिजर्व कर दी गई है क्षतिज आरक्षण का मतलब कि रिजर्व कर दी गई उन वो सीटें केवल उन्हीं को मिलेगी जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर महिला के लिए 26 सीटें रिजर्व कर दी गई है तो इस 26 में केवल महिला ही जाएंगी और महिला केवल इस 26 में ही जाएंगी इसके बाद भी नहीं जाएंगी अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो बैचलर डिग्री जिस स्ट्रीम से मांगी गई है उस स्ट्रीम से अगर आपका बैचलर डिग्री है और इसके अधीन आते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं अगर इच्छुक हैं तो इसका आवेदन कर सकते हैं किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं उसका जवाब अवश्य देंगे हम वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा द्रोण जी सिरसा सेंटर के साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद